अध्यक्ष जी, इस दृष्टि से वृद्ध जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य की दृष्टि से प्रयास करता है, लेकिन बाद में अकेलापन महसूस करता है और इनकी संख्या देश में करीब 5.5 करोड़ है। मैं यह चाहूँगी कि उनके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। केवल 100 रुपये वृद्धों को पेंशन देकर उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इनका जो अकेलापन है उसको व्यवसाय दे सके, उनको सामाजिक संस्थाओं में काम दे सके, इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और समाज कल्याण की योजनाएं विफल हो जाएं तो वे मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सके। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर उस शिक्षित व्यक्ति को जो समाज के लिए नहीं सोचता है, कभी अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के उद्धार के लिए नहीं करता है, ऐसे शिक्षित व्यक्ति को मैं देशद्रोही मानता हूँ। अगर शुरू से ही इस प्रकार से संस्कार बच्चों में डाले जाएं, तो ही कल्याण मंत्रालय का कार्य सही रूप से सफल हो जाता है। मुझे लोगों का हित करना है, यह भावना ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार फैले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो इस भावना से काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं, उनमें इन संस्थाओं का सहयोग ज़्यादा होना चाहिए। इस भावना से हमारे मंत्रालय को काम करना चाहिए। मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगी। 55 साल पहले जब उनको आरक्षण की सुविधा दी गई तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हम इसे 15 साल से ज़्यादा नहीं चाहते हैं, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन उनके बाद जो योजनाएं बनाई गई, मैंने भी आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण किया है और देखा है कि ये योजनाएं इस ढंग से बनाई गई कि उनको उचित लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक रूप से उनके कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनी, अगर बनी भी तो वह कागजों पर ही रही, पैसा खर्च होता रहा, लेकिन उसका वास्तविक लाभ उस समुदाय को और उन लोगों को नहीं मिला जिससे उनका वास्तविक रूप से उत्थान हो पाता। इस साल हम बालिका वर्ष मना रहे हैं, हमें इस पर सोचना हो